हेलो एवरीबडी मैं हूं तरुण कपूर वेलकम बैक टू एज एम प्रिंट्स तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे मोक टेस्ट फोर ऑफ टॉट लीगल एप्टीट्यूड के ऊपर यू कैन ऑल्सो फॉलो माई अदर प्लेलिस्ट ऑन इंडियन पॉलिटी जो इसके अंदर लक्ष्मीकांत प्लस अदर एलिमेंट सोर्सेज कवर कराए गए हैं उसके साथ साथ में लीगल करंट अफेयर्स जो सीरीज़ है हमने स्पेशली एल एल के लिए चलाई है साथ साथ में जो लीगल एप्टीट्यूड की सीरीज़ है वो इसमें मैंशन नहीं है तो वो भी आप देख सकते हैं फॉर द एल एल एंड करंट अफेयर्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एल एल बी एंटरेंसिस एज वेल एज द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड इसमें हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स आपको कवर कराएंगे देन डी यू एल एल बी जो प्रीवियस ईयर पॉलिटी एम सी क्यूज हैं विद एक्सप्लेनेशन एंड अदर पॉसिबल क्वेश्चन इधर से आप कवर कर सकते हैं एंड हाई चांसेज ऑफ कि आपके एग्जाम में आने के हैं देन उसके बाद हमारी जो मोक टेस्ट सीरीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्ट्रैक्ट टॉट और जो हमारे इंडियन पिनल कोड है आईपीसी की उसको भी आप कर सकते हैं एंड जो अब आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको एनालाइज कर कर ही इनमें सभी क्वेश्चन को फ्रेम करा गया है देन यू कैन ऑल्सो फॉलोअर्स ऑन एज प्रिंट्स बाय तारुण कपूर ऑन इन ऑन फेसबुक पेज एंड ऑन एज एम प्रिंट्स ऑन इंस्टाग्राम and you can ask your doubts in instagram okay i will be there um, because more of the students are requesting to me to be there uh, to be active at instagram so i will be uh, giving your basically answers on instagram personally inbox you can inbox me your doubts and uh, at the rate as you imprint is our um, twitter handles so links are given in the description in the comment section so let's move on our first question is The word tort has been derived from the Latin word A. Tortus, B. Totum, C. Torrent, D. Torture. The correct answer is B. Okay, the B is the correct answer. So, Totum. Next question The rule of strict liability was first let down by Lord Actine in 1635, Justin Blackburn in 1868. विनफिल्ड इन 1765, चीफ जस्टिस होल्ट इन 1868, सो जस्टिस ब्लैकबर्न ने 1868 के अंदर रूल ऑफ स्टिक लैबलिटी का करा था और वो कौन सा केस था रेलेंट वर्सेस लेचर का और जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी है जो इंडियन कोर्ट्स का डिस्कवरी है एब्सोल्यूट लायबिलिटी का जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है मगर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एक्सेप्शन हैं तो सभी के सभी एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट हैं याद कर लीजिएगा एंड जो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है वो कौन से जस्टिस ने करा था जस्टिस भगवती ठीक है दोनों ही बी से हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट गिव करेक्ट आंसर्स बाय यूजिंग द Code given below. A tort is a civil wrong for which the remedy is a common law action. So this is correct statement. Sorry, I will tell you Tort is exclusively a breach of contract or breach of trust. Tort is an infringement of right in term, in frame of private individual, and tort is a.

टॉट इज़ द वोलेशन ऑफ लीगल ड्यूटी ऑड बाई पीपल ठीक है नॉट ऑट टू पीपल ठीक है सो दिस इज द ए एन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रीड अजर्शन एंड रीजन एंड आंसर बाई यूजिंग द क्वर्ड ब्लो कि आपने अजर्शन पढ़ना है देन उसका रीजन पढ़ना है देन उसका करेक्ट uh, जो है ऑप्शन uh, मार्क करना है अजर्शन क्या है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ टॉट Her a wrongful act for which there is, uh, for which there is a no justification or excuse to be treated as a uh, tort. सो so, ये जो अजर्शन है वो हमारी विनफील्ड की थ्योरी का बेसिकली है कि वो कह रहा है कि जैसे विनफील्ड क्या कहते हैं कि हर एक रॉन्गफुल एक्ट क्या होता है हर एक अनजस्टिसबल जो काम होता है वो टॉट होता है मगर सेलमेंट क्या कहते हैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो टॉट में गिनी जा सकती हैं जिनको हमने स्पेसिफाई कर रखा है जिनको होल्स में डाल रखा है लाइक इसमें तभी उसको पीजन होल थ्योरी कहते हैं बाय द सेलमेंट सो दैट्स वाई ये दोनों अपने आप में स्टेटमेंट तो ठीक हैं ए भी ठीक है और आर भी ठीक है मगर ए जो है वो विनफील्ड ने कही है, इसलिए जो रीजन है वो इन्होंने सेलमेंट का रखा है so, इसलिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सो करेक्ट स्टेटमेंट इज बी ठीक है राइट प्रेजेंस ऑफ इंजरी और डैमेज द करेक्ट आंसर इज विदाउट इंफ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट नेक्स्ट क्वेश्चन which among the following is incorrect about damnum sign injuria so a never actionable b contemplates moral or social wrongs without any remedy c damage without infringement of our legal right d none of the above the correct answer is नॉन ऑफ द अबव बिकॉज ये सभी ऊपर वाले ऑप्शन सही हैं डैमनम साइन इंजूरिया को हम एक्शनेबल नहीं है टोर्ट्स में इसके खिलाफ़ एक्शन नहीं हो सकता है बिकॉज आपको सिर्फ डैमेज हुआ है इंजूरी का मतलब लीगल राइट आपका कोई वॉयलेट नहीं हुआ है इंजूरिया साइन डैमनम में आपको एक्शनेबल होगा और इसमें मॉरल और सोशल रोंग्स आते हैं जिसके अंदर कोई रेमिडी नहीं है टॉट्स में उसके बाद डैमेज हुआ है विदाउट एनी इन्फ्लूजेंस जो तीनों सही है रोंग को ही नहीं है दैट्स वे नॉन ऑफ द अबव नेक्स्ट क्वेश्चन Scienti non fit injuria means a acceptance of risk, b defence of consent, c mere knowledge of risk, d none of these. The correct answer is mere knowledge of risk. Okay. Next question: If Rama invites her friend Priya for dinner, but Priya does not show up, will it lead to social wrong? देखिए ये सोशल अरेंजमेंट्स हैं बेसिकली सो so, हमने अभी भी पढ़ा है ये सिर्फ डैमेज हुआ है कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है रमा का कि प्रिया नहीं आई है तो सो हेयर नो सिविल रॉन्ग ठीक है सो बी इज़ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नाइन इफ़ रमेश सीज़ अशोक ड्रॉनिंग कि रमेश देख रहा है कि अशोक डूब रहा है और डिस्पाइट ऑफ द कॉल कि उस डिस्पाइट अशोक ने उसको बुलाया है फॉर हेल्प वो कुछ नहीं करता है डज नॉट डू एनी थिंग क्या वो रमेश लायबल होगा इसके लिए नहीं होगा बिकॉज कोई उसकी कोई लीगल ड्यूटी थोड़ी है उसको बचाना ठीक है सो so, ऐसा कुछ टोट में नहीं है सो ही इज नॉट लाइबल क्वेश्चन टेन इफ एनी स्टेटमेंट ऑन द फेस ऑफ इट सीम्स टू बी इनोसेंट बट इट्स सेकेंडरी मीनिंग और डिस्क्लोजर ऑफ सम ट्रुथ इट सीम्स टू बी डिफोमिट्री स्टेटमेंट है स्लेंडर है इनंडो है या ऑल ऑफ द अबव है द करेक्ट आंसर इज सी इनंडो द Next question Essentials of a private nuisance. There must be some interference with the use or enjoyment of land or some right over it. Sahi hai. The plaintiff must show title to the thing to which the nuisance is alleged to be caused. Ye bhi sahi hai. The act complained of must result in damage to the plaintiff. Ye bhi sahi hai. The, all of the above is the correct answer. Question 12. The gate of a railway crossing is open. वेनर ट्रेन इज पासिंग जब एक ट्रेन चाह रही होती है और रेलवे क्रॉसिंग का गेट ओपन होता है यह नेग्लिजेंस है ऑब्वियसली बात है ये नेग्लिजेंस है बिकॉज इट हैज टू बी क्लोज ठीक है एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग द ट्रेन सो दिस इज अ नेग्लिजेंस येस सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन थर्टीन क्वेश्चन थर्टीन द गैस दैट लीक इन द फेमस केस ऑफ एम सी मेहता वर्सिस यूनियन ऑफ इंडिया इज मिथाइल आइसोनाइट नाइट्रोजन ओलियम हाइड्रोजन The correct answer is Olim Olim like Lee case can also be called. Question fourteen: Wrongful restraint of a man's liberty without lawful justification is known as assault, battery, Mayhem, false imprisonment. The correct answer is false imprisonment. Question fifteen: Defenses to defamation are a truth, b fair comment, c privileged information d all of the above the correct answer is all of the above okay so these are the 15 questions and please do write your marks in the comment section and uh, please and please like subscribe and share my videos and do not forget to click the subscribe button and hit the, hit the bell icon so that you get the notification automatically thank you so much